नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है जीके जोश। हमने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि वे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब जैसा आपको लिखा दिखाई दे रहा दोस्त, हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा फॉरेस्ट। हम वनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वनों में भी किसके बारे में, केवल पढ़ेंगे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के वन डिस्कस करेंगे। अब भारत के वन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति। अगर मैं राष्ट्रीय वन नीति की बात करता हूं, कब लागू हुई थी ये हुई थी 1988 में, 1988 में इसको लागू किया गया था। और जो राष्ट्रीय वन नीति है, इसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमारे अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, जो मतलब हमारे अच्छे इन्वायरमेंट के लिए टोटल एरिया का, मतलब जितना टोटल एरिया है उसके 1/3 पार्ट्स में क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट लगे हुए होने चाहिए, या फिर 1/3 को ही आप लिख सकते हो 33%। यानी कि अगर मान लो आपके पास 100% एरिया है, तो 100% एरिया के 33% भाग में क्या लगा होने चाहिए, फॉरेस्ट यानी कि वन लगे होने चाहिए, जो कि हमारे अच्छे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं फॉरेस्ट रैंकिंग की बात करता हूँ पूरे वर्ल्ड को लेकर, वर्ल्ड फॉरेस्ट रैंकिंग वर्ल्ड में देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस कंट्री में है रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करता हूँ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं रसिया, रूस में पाए जाते हैं, इसके बाद पाए जाते हैं ब्राज़ील के बाद कनाडा। और ऐसे रैंकिंग करते करते अपने इंडिया की भी पोजीशन रहती है, किसकी रहती है, अपने इंडिया, जो हमारे इंडिया की जो रैंकिंग रहती है दोस्त, हमारा इंडिया रहता है 10th नंबर पे। कौन से नंबर पे रहता है, 10वें नंबर पे रहता है हमारा इंडिया। जब वर्ल्ड रैंकिंग निकालते हैं फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है, इसकी कौन सी पोजीशन रहती है, 10th, यानी कि 10वीं पोजीशन रहती। पहले नंबर पे कौन सा रहता है, रसिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील, सॉरी तीसरे नंबर पे क्या रहता है, कनाडा रहता है। अब इसके साथ में और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि अच्छे एनवायरमेंट के लिए जरूरी है कि टोटल एरिया का 33% भाग में क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। क्या मैं इंडिया की अगर बात करें, क्या इंडिया में इतना परसेंट पड़ता है, इंडिया में टोटल एरिया का पड़ता है दोस्त 33% फॉरेस्ट न होकर, इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया पड़ता है वो पड़ता है 23.81%। तो सिंपल सी बात है, होना कितना चाहिए 33%, लेकिन 33% न होकर जो एरिया पड़ता है वो कितना पड़ता है, इतना 23.81% भाग में क्या है, फॉरेस्ट। इतने भाग में क्या है, इंडिया के अंदर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। अब देख ले, ये तो है फॉरेस्ट पॉलिसी, तो एक्ट भी बना होगा ना, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है कि फॉरेस्ट एक्ट कब लागू हुआ था, फॉरेस्ट एक्ट, इसे बोलेंगे वन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1927 में, 1927 में लागू हुआ था वन एक्ट, यानी कि फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ था। अब इसके अलावा देखिए दोस्त, ये तो रैंकिंग हो गई किसकी, वर्ल्ड की। अब डिस्कस कर लेते हैं आपके इंडिया को लेकर, इंडिया की वर्ल्ड में देखें तो कौन सी रैंकिंग रहती है, 10th नंबर पे रहती है। अब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, मैक्सिमम फॉरेस्ट किस स्टेट में है, अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ, किसकी बात करें, स्टेट, राज्य की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में वन पाए जाते हैं, तो रहेगा एमपी, एमपी के बाद रहेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद रहेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद रहेगा नागालैंड, कौन सा रहेगा, नागालैंड रहेगा, छत्तीसगढ़ के बाद रहेगा महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेज एरिया के अकॉर्डिंग, परसेंटेज एरिया के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो किस में है? अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर किस में रहेंगे? नागालैंड में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मिनिमम, मिनिमम फॉरेस्ट किस स्टेट में है? तो यहाँ पे टॉप पे है कौन? अपना हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा रहता है टॉप पे। उसके बाद में रहता है पंजाब, उसके बाद में कौन सा रहता है? पंजाब रहता है। अब बात कर लेते हैं एक कंट्री के बारे में, वो कंट्री कौन सी? नॉर्वे, वो कंट्री रहेगी नॉर्वे। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो कौन सी रहेगी? ओस्लो। नॉर्वे की जो कैपिटल रहेगी वो ओस्लो रहेगी। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? नॉर्वे कंट्री के बारे में। नॉर्वे कंट्री विश्व के एकमात्र ऐसी कंट्री है, मतलब जिसने फॉरेस्ट कटिंग को क्या किया है? बैन किया है। फॉरेस्ट कटिंग को क्या किया है इसने? बैन, मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट कटिंग नहीं होगी। इसके अलावा रेडियो को बैन करने वाला भी पहली कंट्री कौन सी बन चुकी है? नॉर्वे। रेडियो को बैन किया था और प्लस में फॉरेस्ट कटिंग को क्या किया था? बैन किया था। किसने? नॉर्वे ने। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रेडियो को लागू करने वाली जो कंट्री थी वो अर्जेंटीना थी। कौन सी थी लागू करने वाली? अर्जेंटीना। बैन करने वाली पहली कंट्री रही है नॉर्वे। लेकिन हम बात करें किसकी? फॉरेस्ट की। तो केवल फॉरेस्ट तक ही सीमित रहना आपको, कि नॉर्वे विश्व की पहली ऐसी कंट्री है जिसने फॉरेस्ट कटिंग को क्या किया था? बैन किया था। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की। अगर मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ फॉरेस्ट की, तो कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? सिक्स, छह प्रकार के पाए जाते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं एक एक को। सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसे हम हिंदी में बोलेंगे उष्णकटिबंध सदाबहार वन, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर मैं सदाबहार वन की बात करता हूँ दोस्त, इनकी खास बात क्या होती है? मतलब ये सदाबहार वन पाए कहाँ पे जाते हैं? ये वहां पे मिलेंगे जहां पे रेनफॉल, यानी कि जहां पे वर्षा होती है कितनी? 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में, वहीं पे कौन से पाए जाएंगे? सदाबहार वन। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? इन एरियो का टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा हाई। टेम्परेचर कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर वैसे देखा जाए नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है यहाँ का 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं पे कौन से पाए जाएंगे? सदाबहार वन। अब देखो नाम से पता चल रहा है सदाबहार वन, अब ऐसा मतलब नहीं है सदाबहार का मतलब ये कि भाई इन पेड़ में कभी भी पतझड़ नहीं आएंगे, इनकी पत्तियां नहीं झड़ेगी। सदाबहार से मतलब क्या है वो देखिए, मतलब ऐसे पेड़ कोई भी नहीं होता भाई जिसकी पत्तियां नहीं झड़े, तो सभी की पत्तियां गिरती है। सदाबहार से मतलब क्या है? यहाँ पे जो प्लांट है, जो पौधे पाए जाते हैं, प्लांट्स डेंसिटी वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है? हाई होती है। यानी कि पौधों का घनत्व, पौधों का जो घनत्व रहता है वो क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा रहता है। और इसीलिए यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वे कैसे दिखाई देते हैं? एवरग्रीन, एवरग्रीन, सदाबहार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? सदाबहार दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी पत्तियां नहीं झड़ती, बस वो सदाबहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सदाबहार दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है? पौधों का घनत्व ज्यादा होता है इसलिए वो सदाबहार दिखाई देते हैं। अब देखो इसके अलावा और बताता हूँ यहाँ की खास बात क्या होती है। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई वन है, कैसा वन है? सदाबहार वन। इसमें क्या होता है? मैंने बताया कि पौधे की वो क्या होती है? घनत्व ज्यादा होता है। पौधों का घनत्व क्या होता है? ज्यादा। मतलब पौधे एक दूसरे से क्या होते हैं? बिल्कुल सटे हुए होते हैं। पौधे क्या होते हैं? एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। अब देखो होगा क्या, मान लीजिए ऊपर क्या है? ये सन, ये क्या है? सन। अब इस तरफ से क्या आएगी? रेडिएशन आएगी। क्या आएगी? रेडिएशन, सूर्य की किरणें आएगी। अब होता क्या है, जो सूर्य की किरणें होती है ना, ये इसके ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। ये जो रे होती है ये ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। तो ये लिख लेना, ये क्या होती है?
ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण होता क्या है, ये जो ग्राउंड सरफेस होता है ये कैसा रहता है, वेट, या फिर आप इसे बोल सकते हो नमी युक्त रहता है। कैसा रहता है, नमी युक्त। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये क्या है, कोई सदाबहार वन है, इसमें क्या बहुत ही ज्यादा क्या है, पेड़ है, बिल्कुल सटे हुए है, ऊपर से क्या जो सनलाइट आती है वो इसके ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, और इसीलिए यहाँ की जो जमीन होती है वो कैसी होती है, नमी युक्त होती है। अब नमी युक्त होने से होता क्या है, ये यहाँ पे नमी युक्त होने से होता क्या है, बैक्टीरिया की अमाउंट ज्यादा होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा वायरस, वायरस भी क्या है, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इन एरियो में। इन एरियो में क्या होता है, जहां पे सदाबहार वन होंगे वहां पे बैक्टीरिया और वायरस की जो अमाउंट होगी, संख्या होगी, वो ज्यादा होगी। और वो क्यों ज्यादा होती है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो सनलाइट होती है वो प्रॉपर नहीं पहुंचती ग्राउंड सरफेस तक, और उसमें क्या बनी रह जाती है, नमी बनी रह जाती है, जो जन्म देती है बैक्टीरिया और वायरस को। अब इसके अलावा डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, वही आपका चला हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पे एरिया कौन कौन से आएंगे, बात कर लेते किसकी, एरिया की, कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। तो आपने सुना होगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इसे बोलेंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, प्लस में लिख लेना नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि मैं बात कर रहा हूं उत्तर पूर्व, जो इंडिया का उत्तर पूर्व वाला भाग है, यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो हिमालय, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पड़ता है, हिमालय पड़ता है, हिमालय हो गया। प्लस में आपको याद रखना है अंडमान निकोबार, मतलब इन तीनों एरियो में कौन से वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इन तीनों एरियो को कहा जाता है हॉटस्पॉट एरिया, हॉट स्पॉट एरिया, इसी को क्या कहा जाता है, हॉटस्पॉट एरिया कहा जाता है। अब हॉटस्पॉट एरिया होता क्या है वो और बता देता हूँ। हॉटस्पॉट एरिया से मेरा मतलब है, हॉटस्पॉट एरिया उनको कहा जाता है, मतलब ऐसे एरिया को कहा जाता है जहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बायोडाइवर्सिटी को हम हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, जैव विविधता, हम इसे बोलते हैं जैव विविधता। मतलब ये आपका ईवीएस वाले पोर्शन में पढ़ाया जाएगा कि हॉटस्पॉट से मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है, वहाँ की जैव विविधता क्या है, काफ़ी अच्छी है। ये तो हो गए आपके एरिए। अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ट्री कौन कौन से पाए जाते हैं, ट्री यानी कि पेड़, पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं सदाबहार वन में। इसके एग्जाम्पल रहेंगे, आपने नाम सुना होगा रोजवुड, आयरन वुड, रोजवुड, आयरन वुड, रोजवुड, आयरन वुड। इसके अलावा याद रखना आपको बैम्बो, जिसे हम बोलते हैं बांस, क्या बोलते हैं, बांस बोलते हैं, बैम्बो। अब यहाँ से क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुका है बैम्बो को लेकर। एक तो देखो क्वेश्चन आता कि बैम्बो है क्या, बैम्बो है क्या, ये घास है, बैम्बो क्या है, एक घास है। दूसरा क्वेश्चन आता है तेजी से बढ़ने वाला पेड़, तेजी से बढ़ने वाला, तेजी से बढ़ने वाला, सबसे तेजी से बढ़ता है। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन क्या आता है वो सुन लीजिए, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जो बैम्बो है वो किस स्टेट में होता है, तो ये होता है आसाम, असम के अंदर सबसे ज्यादा होता है बैम्बो, बैम्बो का सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है असम के अंदर। अब इसके अलावा आपको याद रखना है इबोनी, इबोनी, और लास्ट आपको याद रखना है रबड़, लास्ट आपको याद रखना है रबड़। बैम्बो से क्या क्वेश्चन आ चुके हैं ये मैं बता चुका हूं, और बैम्बो किसका हिस्सा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का। अब लास्ट में क्या है, रबड़, रबड़ को लेकर क्या क्वेश्चन आया वो देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं इसके प्रोडक्शन की, तो सबसे ज्यादा ये अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रबड़ होती है कहां पे, थाईलैंड, थाईलैंड में। और यदि मैं बात करता हूं इंडिया, तो इंडिया में कौन से स्टेट में होती है, तो ये होती है केरला, केरल के अंदर सबसे ज्यादा रबड़ उगाई जाती है। दूसरा वर्ल्ड की बात करें तो कहाँ पे, थाईलैंड।
और यहाँ पे हमारा एक टाइप कंप्लीट होती है फॉरेस्ट की, जिसका नाम क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर टू, मतलब टाइप्स नंबर टू की। जो हमारी टाइप्स नंबर टू रहेगी दोस्त, वो रहेगी ट्रॉपिकल डेसीडुअल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट हिंदी में इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और जो रेनफॉल होती है, जो वर्षा होती है, वो होती है 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब यहाँ पे देखिए, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पर्णपाती वन की, मतलब पतझड़ वन भी बोलते हैं इनको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे पाए जाते हैं, प्लांट्स डेंसिटी यानी कि पौधों का जो घनत्व होता है वो कम होता है। जहाँ पे पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पे जो प्लांट्स डेंसिटी, पौधों का घनत्व होता है, वो क्या होता है, कम। पौधों का घनत्व वो क्या होता है, कम होता है। अब कम होगा तो उसमें होगा क्या, ये देखिए, मान लीजिए ये कोई एरिया है जहाँ पे कौन से वन पाए जा रहे हैं, पर्णपाती वन, और ये क्या आपके फॉरेस्ट, ये पेड़ हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया। मैंने बताया कि डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो कम दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, ये सन, सन की जो सनलाइट होगी वो कहाँ पे गिरेगी, ग्राउंड सरफेस पे गिरेगी। कहाँ पे गिरेगी, ग्राउंड सरफेस पे क्या होगी, गिरेगी। जैसे ही ग्राउंड सरफेस पे गिरेगी तो सिंपल सी बात, इसके रिएक्शन जो आपके सदाबहार वन है उसके अपोजिट होंगे। पहली बात, यहाँ पे जो बैक्टीरिया और वायरस होंगे वो क्या होंगे बिल्कुल नए के बराबर होंगे। दूसरा क्या, अगर मैं बात करता हूँ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर ग्रास नहीं पाई जाती, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ग्रासलैंड, घास का मैदान नहीं होता। लेकिन जो आपका ये होता है, इसके अंदर एवरग्रीन के अंदर ग्रास का मैदान नहीं होता, लेकिन अगर मैं पर्णपाती वन की बात करता हूँ, इसके ग्राउंड सरफेस पे क्या होता है, ग्रासलैंड प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा और डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पे जो पर्णपाती वन होते हैं, यहाँ पे जितनी भी लकड़ियाँ पाई जाती है इनका मोस्टली यूज किया जाता है किसमें, ट्रेड में यूज किया जाता है। अब ट्रेड मेरा मतलब है व्यापार से, व्यापार में यूज करते हैं। तो आप एग्जांपल दे सकते हो ऐसे पेड़ों के जो ट्रेड में यूज किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, शीशम बिल्कुल ट्रेड में यूज की जाती है। इसके अलावा और देखिए, साल का वृक्ष होता है। इसके अलावा टैक आपको याद रखना है, हिंदी में इसे बोलते हैं सोगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सोगाम बोलते हैं। और आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम कौन सा पेड़ पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, वो टैक का पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है, वो टैक का पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है सैंडलवुड, इसे हम क्या बोलते हैं चंदन की लकड़ी। और आप जानते होंगे जो चंदन की लकड़ी है वो कहाँ पे पाई जाती है, नीलगिरी हिल्स पे। ये भी आपको याद रखना है, चंदन। और इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, दूसरी टाइप, जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट। अब इसके अलावा एक टाइप और डिस्कस करते हैं आपकी। अब जो हमारी टाइप रहेगी वो टाइप रहेगी थर्ड, किसके, फॉरेस्ट की। टाइप ऑफ फॉरेस्ट की थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी थर्ड टाइप रहेगी वो रहेगी अराइव्ड फॉरेस्ट। हिंदी में हम इसे बोलेंगे मरुस्थलीय वन बोलेंगे इसे। अब जो मरुस्थलीय वन होते हैं, आपको मालूम भी होगा रेनफॉल के बारे में, वर्षा के बारे में,
क्या रेनफॉल होती है? बिल्कुल नहीं होती, न के बराबर होती है, कम होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है। टेम्परेचर हाई है तो वेपोराइजेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वेपोराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन, हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब सिंपल सी एक चीज देखो, रेनफॉल कम है, टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होने के कारण जो वाटर अमाउंट होती है पेड़ों के अंदर, वाटर अमाउंट, वो क्या हो जाएगी? कम। वाटर अमाउंट क्या हो जाएगी? पेड़ों के अंदर कम हो जाएगी। और कम होने के कारण जो वहां के पेड़ की जो पत्तियां होगी, जो पेड़ होगा, ट्री होगा, उसके जो लीफ, जो पत्तियां होगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? थोर्न में। थोर, इसे हम बोलेंगे कांटे में। यानी कि जो उसकी पत्तियां होंगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? वो कांटे में परिवर्तन हो जाती है। और आपका ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि रेगिस्तान में जो पत्तियां होती है वो कांटे में बदल जाती है, किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होने के कारण। वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होने के कारण जो पत्तियां होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कांटे में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रीज की, कि पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल रहेंगे बबूल, डेट जिसे हम बोलते हैं खजूर, कैक्टस, 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 और आपको याद रखना है पीचर, आपको याद रखना है पीचर। ये चार वो पेड़ है जो कहाँ पे पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये वो पेड़ है जो कहाँ पे पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। अब डिस्कस करते हैं इसकी फोर्थ टाइप के बारे में, डी, फोर्थ टाइप। आपको याद शायद पढ़ा भी होगा स्वैम्पी फॉरेस्ट के बारे में, स्वैम्पी फॉरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं दलदली वन, इसे हम बोलते हैं दलदली वन, इसे हम बोलते हैं दलदली वन। अभी जो दलदली वन है, सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे दलदल होगी। और दलदल कहाँ पे है? इंडिया के अंदर जो दलदली वाला एरिया होता है वो मोस्टली होता है डेल्टाई, जो डेल्टा वाला एरिया होता है वहीं पे दलदल पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, जो दलदली वाला है वो कहाँ पे मिलेंगे? वो डेल्टा वाले एरिया में मिलेंगे। और एरिया कहाँ पे पड़ता है डेल्टा वाला? आप सभी जानते हो वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट, वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट डेल्टा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वो कौन सा है? सुंदरबन, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? दलदली वन पाए जाते हैं। एरिया तो ये हो गया, और ये एरिया कौन से राज्य में पड़ता है? यदि स्टेट पूछे तो आपका रहेगा पीबी, जिसे हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल फेमस है किसके लिए? व्हाइट टाइगर के लिए। पश्चिम बंगाल फेमस है व्हाइट टाइगर के लिए, व्हाइट टाइगर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया, चलो ठीक है, ये कहाँ पे है? व्हाइट एरिया, व्हाइट टाइगर, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा देखो दोस्त, हमारा स्किप रह गया कौन सा? आपका मरुस्थलीय वन। देखो मैंने ट्री तो लिखवा दिए, अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? यहाँ पे पड़ेगा गुजरात, फिर राजस्थान, और फिर कौन सा? हरियाणा। ये तीन ऐसी स्टेट है जहाँ पे कौन से ये पेड़ पाए जाते हैं, या फिर कौन से वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेस्ट है वो कितने टाइप्स के हैं? फोर, सिक्स टाइप के। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कराए कितने हैं? फोर टाइप्स के। अभी भी और टाइप्स इसकी बची हुई है, यदि आपको इसके पार्ट नंबर टू की जरूरत है और अभी पढ़ने हैं आपको, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि हमें उसकी ज़रूरत है, और वो अपलोड की जाएगी दोस्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।